इसराइल ने जब से गाजा में हमास के खिलाफ अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है, तब से फिलिस्तीन के समर्थन में कई चरमपंथी संगठन इसराइल पर हमलावर हैं। सबसे कड़ी चुनौती लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी संगठन से मिल रही है। हिजबुल्ला लड़ाके अब इजरायली बलों के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ईरान समर्थित ये संगठन लगातार इसराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। यही वजह है कि गाजा में लड़ते लड़ते इसराइल सेना अब हिजबुल्ला लड़ाकों का भी सामना करने को मजबूर है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार बमबारी और एयर स्ट्राइक की जा रही है। इस बीच लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर इजरायली कब्जे वाली मेटूला बस्ती में जबरदस्त गोलाबारी कर भीषण हमला बोला है। दावा तो ये भी है कि हिजबुल्ला के इस हमले में इजरायली बलों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दो इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हिजबुल्ला ने बताया कि यह हमला दक्षिणी लेबनान कस्बों और गांवों पर इजरायली बमबारी के जवाब में हुआ है। बताया गया कि हिजबुल्ला के फाइटर्स ने कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा पहाड़ियों में रुवेइसत अल आलम मिलिट्री साइट के साथ साथ एक इजरायली असेंबली पॉइंट पर भी तोपखाने से हमला किया है। हिजबुल्ला के हमलों की बौछार इन इवन मेनाकेम बस्ती के पूर्व में बसी एक अन्य इजरायली बलों की बस्ती को भी निशाना बनाने का दावा है। अपने ऑपरेशन की सीरीज के एक हिस्से के रूप में लड़ाकों ने राहिब मिलिट्री साइट पर इजरायली निगरानी उपकरणों पर भी जोरदार हमला कर नष्ट करने का दावा किया है। वहीं अरब न्यूज एजेंसी अल मयादीन की खबर की माने तो इजरायली हमले दक्षिणी लेबनानी गांवों और कस्बों पर जारी हैं, जहां एक इजरायली तोपखाने के गोले से लेबनानी सेना की चौकी पर हमला किया गया। इसमें धायरा शहर के आसपास के क्षेत्र को निशाना बनाया गया था। इजरायली तोपखाने की गोलीबारी ने बुर्ज अल मोलूक और अल हमामिस हिल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया, जबकि इजरायली हवाई हमले ने अल जुबैन शहर को निशाना बनाया था। उधर इजरायली मीडिया ने शुक्रवार को कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी मोर्चे पर टकराव के पैमाने से जुड़े आंकड़ों का खुलासा किया है। इसमें बताया गया कि उत्तर में लड़ाई बहु मोर्चे के टकराव का एक अभिन्न अंग है। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला को हार से बहुत दूर मानते हुए दावा किया कि अब तक हिजबुल्ला ने 7 अक्टूबर से 3,100 रॉकेट और मोर्टार और 33 विस्फोटक ड्रोन लॉन्च किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला ने 100 से 500 किलोग्राम तक के लगभग 240 भारी रॉकेट दागे हैं, जिसने गंभीर नुकसान पहुंचा है। इन बमों ने बेरानिट में अल जलील डिवीजन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हिजबुल्ला ने कम से कम 700 एंटी आर्मर मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिसमें से कुछ एडवांस हैं, जिसने न सिर्फ इजरायली सेनाओं की बस्ती और फ्रंट लाइन पर अटैक किया, बल्कि मेरोन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जैसे रणनीतिक ठिकानों में भी जबरदस्त तबाही मचाई। दावा है कि किर्यात शमोना और अन्य बस्तियों में हुए विनाश को देखकर नेतन्याहू सरकार खासा सख्ते में है। इतना ही नहीं, एक साथ अलग अलग मोर्चों पर जूझने के चलते इजरायली बलों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इजरायली अखबार की माने तो हिजबुल्ला के पास 2,00,000 रॉकेट, अलग अलग आकारों के करीब 1,00,000 मोर्टार गोले और सटीक क्षमताओं वाले हजारों आधा टन रॉकेट गोले के अलावा हाइफा तक पहुँचने में सक्षम हजारों ग्रैंड रॉकेट है, जो एक ऐसा खतरा है जिसकी अभी तक अनुभव नहीं किया गया है।